राजस्थान में आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा होने के इनपुट मिलते ही भजनलाल सरकार एक्टिव मोड पर है। सरकार ने बेनीवाल के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके तहत 8 कमांडो उनकी सुरक्षा को देखते हुए लगाए गए हैं। खैर, आपको पूरी खबर बताते हैं। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। आपको बता दें कि खुफिया विभाग को हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा होने का इनपुट मिला था। इसके बाद पूर्व सांसद और खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नागौर स्थित उनके आवास पर QRT की टीमों को तैनात किया गया है। इस टीम की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति हनुमान बेनीवाल से नहीं मिल सकता है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार 26 जनवरी को समारोह के जश्न के बीच खुफिया विभाग को ये इनपुट मिला था कि हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा हो सकता है। बता दें कि बेनीवाल को पहले भी धमकियां मिल चुकी हैं। बेनीवाल के आवास पर QRT की टीम को तैनात किया गया है। पूरे घर को सुरक्षा घेरे में तब्दील कर दिया गया है। हनुमान बेनीवाल के आवास पर 8 कमांडो को तैनात किया गया है। बता दें कि सभी कमांडो आधुनिक हथियारों से लैस है, जो हर छोटी छोटी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। अब हनुमान बेनीवाल के आवास पर आने वाले लोगों में से उन्हीं को मिलने की अनुमति होगी, जिसे QRT टीम द्वारा इजाजत दी जाएगी। कड़ी जांच और सुरक्षा मानकों के बाद ही कोई व्यक्ति हनुमान बेनीवाल से मिल सकेगा। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल खींवसर के विधायक है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो भी है। विधायक बनने से पूर्व वे नागौर के सांसद भी रह चुके हैं। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल कई बार सरकार पर कानून व्यवस्था और गैंगवार को लेकर बढ़ रहे अपराधों पर भी निशाना साध चुके हैं। पहले भी हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा बताया जा चुका है। उन्हें अनौपचारिक रूप से कई बार धमकियां भी मिल चुकी है। इसके बाद बेनीवाल ने भी कई बार सरकार से सुरक्षा व्यवस्था की मांग की थी और अब सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के आधार पर अचानक हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि बीते दिन हनुमान बेनीवाल का जन्मदिन था और सुरक्षा के चलते वे अपना जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाते हुए नजर आए थे, जिसकी फोटो भी सोशल मीडिया पर छाई रही। आप जरा नजर डालिए किस प्रकार से बेनीवाल के आवास पर सुरक्षा घेरा नजर आ रहा है। खैर, आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।